भाजपा किस जांच की मांग कर रहा है? देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक बार शांति की अपील नहीं किया, अमन की अपील नहीं किया? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप बिहार शरीफ आकर उसे 40 किलोमीटर दूर सासाराम की घटनाओं के बारे में झूठ सच अफवाह फैलाते हैं। इसके लिए आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार अमित शाह को लेकर कह रहे हैं। दरअसल जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार अमित शाह पर ये बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार का कहना है कि अमित शाह जो हैं वो बिहार शरीफ में आकर सासाराम के बारे में झूठी बातें करते हैं। वो अमन और शांति की बात नहीं करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। जहां एक तरफ उन्हें बिहार शरीफ में आने के बाद लोगों से अमन शांति की बात करनी चाहिए थी, हिंसा नहीं फैलाने की बात कहनी चाहिए थी, तो वहीं वो सासाराम में हुए झूठे हिंसा के बारे में लोगों को कहते हैं कि देखिए किस तरीके से बिहार का सासाराम जल रहा है। आपको हम बताते चले कि नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को ये बात कही कि आपको तो बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उनके डीएनए पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी का डीएनए जो है वो चेक किया जा रहा है, कि उनका सिर्फ एक ही काम बचा है कि किस तरीके से झूठा अफवाह फैलाना, हिंसा फैलाना, झूठी सिर्फ बातें करना। क्या कुछ नीरज कुमार अमित शाह पर बोल रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बातों को पहले सुनवाते हैं। भाजपा किस जांच की मांग कर रहा है? देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक बार शांति की अपील नहीं किया, अमन की अपील नहीं किया, बल्कि बिहार शरीफ से 40 किलोमीटर दूर फर्जीवाड़ा की खबर कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, माफी मांगना चाहिए बिहार के आवाम से कि बिहार शरीफ की घटना में प्रेरक बनने का काम किए और सासाराम का फर्जी खबर लोगों के बीच प्रसारित करने का बड़ा राजनैतिक गुनाह किया है। तो ऐसी स्थिति में राजनैतिक जांच शुरू हो गया आपका। आपका जो डीएनए है वह दंगा फसाद, फर्जी विकास की घोषणा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने आका से डरना नहीं चाहिए। अमन रहेगा तो बिहार रहेगा, चैन रहेगा तो राजनीति रहेगी। दंगा करोगे कानून के अनुसार नपोगे, दंगाइयों को परोक्ष या परोक्ष रूप से सेवा करोगे तो जनता की अदालत में गुनहगार घोषित करेंगे। तो आपने सुना नीरज कुमार ने अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल रामनवमी के मौके पर बिहार के सासाराम में दो गुटों के बीच हिंसा की मामले सामने आए, जिसके बाद अमित शाह राजधानी पटना आए थे। राजधानी पटना आने के बाद 2 अप्रैल को नवादा में वो जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कहे कि मुझे सासाराम भी जाना था, लेकिन सासाराम में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके कारण वहां की जो मेरी रैली है उसे रद्द करनी पड़ी। अमित शाह ने नवादा के जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार में जो हिंसा फैला रहे हैं उन्हें उल्टा लटका देना चाहिए। जिस पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जो वापस से बयानबाजी करते हैं, उन्होंने कहा है कि अमित शाह का काम था बिहार शरीफ में आकर हिंसा रोकने की बात करना, शांति की बात करना, लेकिन अमित शाह तो आए और उल्टा हिंसा भड़काने की बात कहकर चले गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।